हेलो मित्रों, चलिए बताते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, द्रव के अविरक्तता का सिद्धांत क्या कह रहा है। द्रव के अविरक्तता का सिद्धांत ये कह रहा है कि जब किसी जो है असमान परिच्छेद वाली नली में प्रत्येक बिंदु पर एक सेकेंड में जो आपका प्रवाहित द्रव का आयतन नियत होता है, कहने का मतलब इसका ये है कि अगर कोई एक ऐसी नली लिया जाए इसका एक क्रॉस सेक्शन बड़ा हो तो दूसरा क्या हो छोटा हो, अगर उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रही है तो कह रहा है कि एक सेकेंड में जो है आपका जो द्रव फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ये कहना चाह रहा है। बल्कि इसको हम निकालते हैं कैसे क्या कर रहा है। तो ऑन पॉइंट इस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करें तो एक सेकेंड में प्रवाहित द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, A1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एस हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ यहाँ से ये सूखा और यहाँ पर ये पानी आ गया, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर कोई ऐसे देखिए, ध्यान देखिए कि ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का सपोज करिए ये आपका क्या है, ए है। ऐसे सिलेंडर देखो यार, ऐसे मत देखो, ऐसे सिलेंडर देखो, A1 है। अगर यहाँ से ये दूरी क्या हुआ, अगर S है तो क्या करेंगे, A1 into S में कर देंगे, तो इसका क्या किए, A1 into डेल्टा S कर दिए। अच्छा, और डेल्टा S के जगह मैंने V1 कैसे लिखा, याद ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, जो है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर S इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 into T लिख दिए मैं, यानी t क्या है, एक सेकेंड में बात की जा रही है कि एक सेकेंड, यहाँ देखिए ना, एक सेकेंड में प्रवाहित द्रव का आयतन। तो यहाँ पर t की जगह मैंने 1 फीड कर दिया तो s इक्वल टू क्या आ गया, v1 आ गया। यहाँ पर डेल्टा s लिखा था मैंने, v1 लिख दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट a पर जो है एक सेकेंड में प्रवाहित जो तो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, a1 into v1 होगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी में अगर सपोज करिए कि यहाँ से अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ से सपोज करिए यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आ गया होगा। तो अगर ये डेल्टा एस ए बी हो तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट बी से एक सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, A2 इंटू एस हो जाएगा, इसको डेल्टा एस मान लेते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह क्या है, जहाँ पर S लिखा है वहाँ पर V2 लिख सकते हैं क्योंकि S इक्वल टू 1 मान लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि A1 V1 इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 होगा और इक्वल टू क्या होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट को लें, तो 1 सेकेंड में जो आपका द्रव फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर इसलिए क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी यहाँ पर एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं हम, A1 बाई A2 इक्वल टू V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं। यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है, ये आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड के आपके चैप्टर का ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो है मैं यही कह रहा हूँ कि जो है इस पूरे धारावाही नली में प्रत्येक बिंदु पर एक सेकंड में जो प्रवाहित द्रव हो रहा है, जो प्रवाहित द्रव है उसका एक सेकंड में जो वॉल्यूम होगा हर जगह पर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी A1 V1 इक्वल टू क्या होगा, A2 V2। यानी क्या होगा, अगर तीसरा पॉइंट अगर A3 हो तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, A3 इंटू क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, A3 V3 हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत रहिएगा, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।